वो कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया एक नेपाली इंजीनियर ने, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से एक ऐसी चीज बना दी है जिससे कि लाखों और करोड़ों लोग दुनिया भर से इस नेपाली इंजीनियर के शुक्रगुजार हैं। उनकी इस इंजीनियरिंग से आज दुनिया में लाखों लोगों का काम आसान करती है और लोगों का पेट भरने में मदद करती है, और इसीलिए उनकी इंजीनियरिंग को यूएन सॉल्यूशन 2018 में भी देखा जा सकता था, और उसके बाद उसको कई और जगह पर पुरस्कार भी मिले। तो इसीलिए ये है आज के हमारे चर्चा का विषय। नमस्कार दोस्तों, नेपाली इंजीनियर प्रताप थापा को शायद ही आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप उनकी इंजीनियरिंग और उनकी मेहनत को जान लेंगे तो शायद ही आप उन्हें कभी भूल पाएंगे, और ये मेरा दावा है, क्योंकि उन्होंने नेपाल के लिए कुछ ऐसी चीज बना दी है जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इन्होंने जो बनाया है वो अपने आप में एक चमत्कार लगता है, क्योंकि इस चीज को चलाने के लिए ना ही आपको बिजली चाहिए, ना ही कोई पेट्रोल चाहिए और ना ही कोई डीजल। ये एक ऐसी खास चीज है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा काम करती है और बिना किसी फ्यूल के, यानी कि कोई भी तरह का फ्यूल नहीं चाहिए। दोस्तों, इनकी मेहनत और इनकी इंजीनियरिंग दुनिया भर के लिए एक इंस्पिरेशन है, साथ ही साथ नेपाल के यूथ के लिए तो एक बहुत ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि नेपाली द्वारा बनाई गई इस मशीन को आज दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देश यूज करते हैं। तो आज के इस चर्चा के विषय में हम बात करेंगे प्रताप थापा की, कि कैसे उन्होंने इस मशीन को डेवलप किया है, साथ ही साथ इस मशीन की वर्किंग क्या है और ये मशीन आज कितने देशों में जा रही है, और साथ ही साथ इन्होंने कैसे नेपालियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है अपनी मशीन से। तो आप लोग भी इस मशीन को और ज्यादा जानना चाहते होंगे, साथ ही साथ प्रताप थापा को भी जानना चाहते होंगे जिन्होंने इस मशीन को डेवलप किया, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ये ओरिजिनल कंटेंट है जो कि आपको हमारे ही चैनल पर मिलने वाला है, तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग प्लस गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे है और इस चैनल के चैनल सेक्शन में भी है। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। तो चलिए जानते इस अनोखी इंजीनियरिंग को जो कि एक नेपाली ने बनाई है और जो कि बहुत ही ज्यादा निराली है। लेकिन उससे पहले जानते हैं नेपाली प्रताप थापा को, जिन्होंने इस मशीन को बनाया है और किस सर्कमस्टांसेस में उनको ये मशीन बनानी पड़ी है। दोस्तों, प्रताप थापा नेपाल के लीला विलेज के रहने वाले हैं, जो सदर ललितपुर नेपाल में है। उनके माता पिता खेती करते हैं, वो भी टेरेस फार्मिंग, क्योंकि पहाड़ों पर फार्मिंग करनी होती है, और वो उगाते थे मक्के को। दोस्तों, प्रताप थापा ने देखा कि उनके माता पिता को मक्का लगाने के बाद बारिश का इंतजार करना पड़ता था, और कई बार तो बारिश की वजह से फसल पर भी बहुत बड़ा असर पड़ जाता था, जिससे घर में बहुत दिक्कतें आती थी। जबकि वो देखा करते थे कि पहाड़ से कुछ ही दूर नीचे नदी बहती थी, लेकिन उस पानी को ऊपर तक ला नहीं सकते थे। इस दिक्कत को लेकर प्रताप थापा एक सलूशन चाहते थे। प्रताप थापा की इस चाह ने उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। थापा डेल्फ यूनिवर्सिटी नीदरलैंड गए और वहां पर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू की, और जहां पर उन्होंने इस प्रॉब्लम का समाधान निकालना, यानी कि सॉल्यूशन निकालने पर बहुत ज्यादा तेजी से लग गए, और अपने एक डच क्लासमेट के साथ मिलकर उन्होंने एक यूनिक और अनोखा पंप ही बना डाला। जी हाँ, और ये पंप कोई ऐसा वैसा पंप नहीं था, ये एक ऐसा पंप था जिसको चलने के लिए ना ही बिजली चाहिए और ना ही किसी प्रकार का ईंधन चाहिए, यानी कि अपने आप में चमत्कार लगता था। ये इसे चाहिए तो चाहिए था एक बहती हुई नदी, जिससे ये पानी पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचा सकती थी, और ये इंजीनियरिंग ही आज दुनिया भर में नेपाल का एक प्रोडक्ट बनके उभरी है। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि काफी कारगर है, वो निकली भी तो एक नेपाली के दिमाग से, उसकी समस्या के चलते, तभी इसका नाम नेपाल से ही रिलेटेड रखा गया, और इसका नाम रखा गया वर्षा पंप। वर्षा का मतलब रेन होता है नेपाली लैंग्वेज में, जिसके चलते इसका नाम पड़ा वर्षा पंप, क्योंकि ये फार्मर्स की बारिश की दिक्कतों को जड़ से दूर कर सकता था। दोस्तों, ये कोई आम इन्वेंशन नहीं थी, इस नेपाली की इन्वेंशन से इनको कई देशों में बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, साथ ही साथ इन्हें यूएन सॉल्यूशन समिट 2018 में भी देखा जा सकता था इनके प्रोडक्ट के साथ। साथ ही साथ इनको फिलिप्स इनोवेशन अवार्ड मिला, बियरिंग पॉइंट अवार्ड मिला, और दुनिया भर में कई जगह पर और अवार्ड्स मिले। तो इतने देशों में अवार्ड्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है,
क्योंकि ये इनोवेशन ही अपने आप में खास है, जो कि एक समस्या को जड़ से दूर करता था और प्रताप थापा ने इसे नेपालियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था। फिर क्या था, इसको अब नेपाल में भी देखा जा सकता है और ये नेपालियों की सच में समस्याओं को दूर करता है। इस पंप के इनोवेशन के बाद थापा यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक कंपनी भी बना दी जो कि है इक्वास्ता, जिसके 3 को-फाउंडर हैं, जिनको आप देख सकते हैं उनकी साइट पर भी। यहाँ पर आपको मिलेंगे नेपाल के प्रताप थापा भी, जो कि 1 को-फाउंडर में से हैं, और उनके 2 दोस्त जो उनका साथ दिए थे इसके इन्वेंशन में। आप खुद भी जाके इनकी साइट पर ये देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं रह गई, जिसके ये 3 CEO हैं, यानी 3 मालिक हैं। इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं वो 30 से भी ज्यादा देशों में बेचे हैं, और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 देशों में है, यानी कि 5 देशों में इसका निर्माण हो रहा है, जो कि है नीदरलैंड, नेपाल, मलावी, इंडोनेशिया और इंडिया। इन 5 देशों में इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वर्षा पंप की, जिसे इन दुनिया भर के कई और देशों में भी भेजा जाता है, और आने वाले समय में इस कंपनी के और भी प्रोडक्शन हाउस लगने वाले हैं, साथ ही साथ इनके पंप्स को दुनिया भर के और देशों में भी बेचे जाने वाला है, जो कि एक नेपाली दिमाग की उपज है। ये तो थे नेपाल के प्रताप थापा, लेकिन अब जानते हैं साइंटिफिक तौर पर इनकी ये मशीन है वो काम कैसे करती है, जो कि एक चमत्कार लगता है। दोस्तों ये अपने आप में चमत्कार लगता है कि कैसे एक पंप पानी फेंक रहा है, वो भी बिना किसी फ्यूल के, यानी कि ईंधन के या फिर बिजली के। ये अपने आप में काफी सोफिस्टिकेटेड साइंस है, और इस साइंस को मैं बताना चाहूंगा सरल भाषा में आप तक, जिसे आप सब इसको समझ सके। दोस्तों एक पंप एक हाइड्रो पावर इरिगेशन पंप है, जो नदी पर तैरता है और नदी के बहाव से ही ये पानी को पंप करता है। ये नदी के बहाव को, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि अपने आप को घुमाने में, और उस रोटेशन से ही पानी को प्रेशराइज किया जाता है। इस पंप में देखे तो इसके व्हील के टॉप पोर्शन में आप एक होल देख सकते हैं, और यही से पानी अंदर जाता है जब ये रोटेट करता है, और वो पानी एक प्रेशर क्रिएट करता है अंदर, जो कि एयर को कंप्रेस करता है, और हर रोटेशन पे ऐसे ही पानी जाके कंप्रेस होता है, जिसके चलते ही एक कंप्रेशन क्रिएट होता है, यानी कि एक दबाव क्रिएट होता है, जो कि पानी को फर्दर फेंकने के काम आता है। इस चीज को आप एक खुले और छोटे से एग्जांपल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाइप के जंजाल को, ऐसा ही कुछ सिस्टम वर्षा पंप के अंदर है, जहाँ पर पानी रोटेट होने से प्रेशर क्रिएट होता है और वो पानी बीच से निकलता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी लोकल लेवल पर है, और वर्षा पंप उसका काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि करीबन 2 किलोमीटर तक पानी को भेज सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ 20 मीटर की ऊंचाई तक ये पानी को आराम से फेंक सकता है, जिससे काफ़ी किसानों की लागत कम आ जाती है और पानी की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि किसानों यानी फार्मर्स की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जिसके चलते ही इसे 2018 में हम UN सॉल्यूशन समिट में भी देख सकते हैं, जहां पर इसका डेमो दिया गया था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, UN यानी कि अंतरराष्ट्रीय मंच तक ये नेपाली मेड प्रोडक्ट पहुंच रहा है। दोस्तों अगर आपको प्रताप थापा साथ ही साथ उनकी ये मशीन अच्छी लग रही है तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो प्रताप थापा तक जरूर पहुंचेगा, जैसे हमारे और वीडियो और भी लोगों तक पहुंचते हैं। साथ ही ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग से कहीं ना कहीं यूथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और साइंस की तरफ यूथ का रुख ज्यादा होगा। तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है एक नेपाली के लिए, साथ ही साथ नेपाल के लिए भी, कि कैसे अपने मुश्किल को प्रताप थापा ने एक इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त नमूना क्रिएट करके दिखा दिया, जो कि अपने आप में वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन नहीं दबाया तो बेल का आइकन जरूर दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच जरूर सके। तो प्लीज बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। NI News।